जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है, क्या लगता है क्या वाकई सही है? हाँ जरूरत है देश की और होना चाहिए, सही मायने में तो राहुल गांधी को तो खुल आना चाहिए, आगे पूछनी पीछे पगानी, अब भी कुवारा का कुवारा ही है, अब क्या बालक बन रहे उस पर, उन्हें तो सही मायने में खुल का अटकाना चाह और धरने प्रदर्शन करने चाहू भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। अखिलेश तो पहले 2017 में भी कहवा था, पता लगा आज तक, अब कोरोना काल में एक बार भी कहीं किसी की मदद करता नजर आया भाई, उनका काम तो कहना, काम जो करे तो भारतीय जनता पार्टी करे, और इस देश में पहले मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ हुए हैं जिन्हें भाई मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना जमीन स्तर पर काम करा जिसका कोई प्रमाण नहीं। हर हॉस्पिटल में जाकर गए, हर जिले में गए, हर जनपद में गए, जितने भी डीएम है एसएसपी है सबसे पूछा कि क्या स्थिति है, और घर गैल हर घर में डॉक्टर पूछाने का काम करा, दवाइयों की मेडिसिन पूछवाई, इतने काम करे जिसकी कोई गिनती नहीं। युवाओं की जोड़ी आ रही है जयंत और अखिलेश की जोड़ी, लगता है कमाल कर पाएगी? भाई 2017 में भी आई थी सबकी जोड़ी, 2019 में भी आई थी, जैसा कमाल 2017-19 में करा ऐसा ही 2022 में करेगी उनकी जोड़ी। तो अब की बार तो किसान परेशान है ना, वोट नहीं देगा कह रहे किसान परेशान है। भाई किसान खुशहाल भी है, अपने पैसे बैंक में तो ले जाओ, घरों चुपचाप चला जाओ, अनिवार्य स्थिति थी भी नहीं पता लगा था घर जाओगा नहीं जाओगा, जंगल में भी जब पानी चला हुआ था दो चार बदमाश आए थे पांच सात थप्पड़ मारे थे, उसे कहते रोटी लिया फजीता कर रखा था, उन सब चीजों से जान बच रही। तो जनता क्या सोच के वोट देगी? जनता न्यूज देगी क्योंकि हमारे भविष्य का मामला, सुरक्षा मिल रही, अपना सही माहौल है, अच्छा है, सब अपना खा कमा रहे, इस मारे वोट देगी। महंगाई की बात हो रही कि पेट्रोल महंगा हो गया? भाई एक बात बताओ, जब देश सबको पता किस स्थिति से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं सरकार कहां से करेगी, सब इन चीजों पे ही तो फोकस करेगी। और रही 2017 से पहले भी जब सपा की सरकार होया कर रही थी और 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब के रेट ले लो तम, आज उस हिसाब से देखा जाए महंगाई बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है देश इस स्थिति में तो थोड़ा घना रेट तो बढ़ेगा भाई। अच्छा भाजपा नारा दे रही कि अब की बार 300 पार, आपको क्या लगता है 300 पार या केवल 200 पे अटक जाएगी? भाई पिछली बार भाजपा ने दिया था 265-280 का पार का, 325 आ गई थी, अब का 300 पार दे रही तो मैं लगा 350 आ जाएगी। सबसे बड़े मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? भाई सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं यही रहेगा कि राम मंदिर, जो जो वादे करे थे इन्होंने, भाई केंद्र सरकार ने वादे करे थे उन पे खरी उतरी, राज्य सरकार ने जो वादे करे थे उन पे खरी उतरी, और सबसे बड़ी बात हमारा सौभाग्य है कि राम मंदिर का वहाँ सारा मामला सुलट के शांति प्रिय निमट गया मामला और वहाँ निर्माण चालू होगा, शायद इससे बड़ा हमारा सौभाग्य हो नहीं सकता, जो 500 साल पुराना मुद्दा था वो भी सुलझ गया, और वह एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो उसके सब देख रेख में सब मामला हुआ और वहाँ काम चालू होगा। विपक्ष कहता है कि जब भी चुनाव आता है राम मंदिर याद आ जाता है, फिर राम मंदिर पे वोट मांगेगा अब की बार? भाई विपक्ष का तो काम है कहना, क्योंकि विपक्ष यहाँ इतना बढ़िया होता तो वे सब एक संगठित नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें तो पता थारी दुकान बंद होगी, इस मारे वे जो है नु कह रहे भैया महागठबंधन कर लो और कोई काम नहीं। अच्छा ओबीसी के एंट्री चुनाव में हो रहे, क्या लग रहा है किसको नुकसान होगा? ओबीसी का तो सबको पता क्या चाहो, ओबीसी का तो मतलब ये है अपना काम बनता, अपनी स्थिति में जाओ जनता, ओबीसी का तो है अपनी दुकान चला रहा भाई वो तो। तो अखिलेश यादव को भी कृष्ण प्रेम याद आ गया, उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे इस बार श्री कृष्ण बन के अखिलेश यादव जी आ रहे हैं 2022 में। भाई उसे नु पता 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व आ गई, तेरी भी ताल बैठ सके, इस मारा वो कृष्ण भगवान के गुणगारा अन्य सबसे पहले कहीं देखा मंदिर में दर्शन करता हुआ, तो लगता नहीं ताल बैठेगी? भाई ताल क्यों बैठन देंगे हम, जब पूरा युवा वर्ग पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है तो उसकी ताल क्यों बैठेगी? ताल तो भैया भारतीय जनता पार्टी की बैठेगी। युवा तो अखिलेश यादव है, जयंत चौधरी है, युवा तो उधर जाएगा। भाई ये अखिलेश यादव की उम्र देख लो और राहुल गांधी की देख लो और जयंत चौधरी साहब की भी, इतनी उम्र हमारे योगी जी की बैठे है भाई, वे भी युवा ही है, पर फर्क इतना वे संत है, ये अपना गृहस्थीदार है, ये अपने को युवा बता रहे, वे अपना बता नहीं रहे, अन्य इतनी उम्र है भाई, एक दो साल का अंतर कोई बड़ी बात ना होती। अच्छा बदला क्या दिखाई दे रहा है 5 साल में मुजफ्फरनगर में, क्या कुछ बदला? बदला इतना बढ़िया दिख रहा, बुढ़ाने तो जब हम चले हैं तो ज्यादा ज्यादा 30 मिनट लगती नहीं, अन्य मारे वो भी याद है कि जब बुढ़ाने से चले थे 2 घंटे यहाँ आने में लगे थे, और तुम्हें एक बात बताऊं 2000 उसमें 14 वाली जब चल रहा था चुनावी मामला, तो जब ट्रैक्टरों की यहाँ रैली हुई 4 घंटे मुजफ्फरनगर आने में लग जाते, और अब ट्रैक्टर 40 मिनट में मुजफ्फरनगर आया, इतना बड़ा बदलाव इस प्रदेश में और इस जनपद में हुआ। आप कह रहे 2022 में कमल खिलेगा, किसान कह रहे हैं कि जो भाजपा के नेता वोट मांगने आएंगे उनको मारेंगे जूतों से। भाई देखो हर किसान का अपना हिसाब है, पर कहीं ना कहीं सरकार सारे काम पे फोकस कर रही है, किसानों के भी हित के बारे में सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात हम भी किसान है, मैं किसान परिवार से विलोम करूं, ऐसा नहीं, ना हम दुखी है ना परेशान, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवाद में ही वोट देंगे, देते आऊंगे। राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में? हाँ रहेगा भाई, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा इस धरती पर कुछ ना, तो हम लोग राष्ट्रवादी, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे भाई। संख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है, क्या लगता है क्या वाकई सही है? हाँ जरूरत है देश की और होना चाहिए, सही मायने में तो राहुल गांधी को तो खुल का आना चाहिए, आगे पूछनी पीछे पगानी, अब भी कुवारा का कुवारा ही है, अब क्या बालक बन रहे उस पर, उन्हें तो सही मायने में खुल का अटकाना चाह और धरने प्रदर्शन करने चाहू भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। सही
विपक्ष कह रहा है कि जब चुनाव आया तब जनसंख्या नियंत्रण कानून याद आ गया, उससे पहले तो याद नहीं आया। एक बात बताओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून से किसी को कोई नुकसान तो है नहीं? जनसंख्या नियंत्रण हो तो देश अपना उसी स्थिति में हो जा और सबको अपना सिस्टम मजबूत हो जाए, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून फायदा होगा कानून से। हाँ साफ सी बात है, मान के चलो एक घर में 20 आदमी और एक घर में 2 आदमी, अब 20 को कहां तक खाने को आओगा? कहीं ना कहीं उस चीज को आज हमें देखने की जरूरत है। जनसंख्या तो बढ़ी रही तो वो सब चीज है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए 100%, और ये एक आदमी के लिए लागू नहीं होगा तो पूरे देश के लिए लागू हो रहा तो हो जाना चाहिए, ये बात है बस। तो मेन मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? राष्ट्रवाद, दोनों चीजें भैया, राष्ट्रवाद भी है और विकासवाद भी है। शायद इस प्रदेश के अंदर जब से देश आजाद हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जितना काम करा दिया शायद इतना कोई करा नहीं सकता।